कितना बार मना कैले है कि अचार वाला बयाम के हाथ मत लगाइल कर। अरे तोरा के कब मिर्गी आ जाई, कब कहाँ चकरा के गिर जाइबू, एकरा कोनो ठिकाना बा? कबो बयाम पर गिर गइलू तो सगो अचार मट्टी में मिल जाई और हमार सारा मेहनत पर पानी फिर जाई। और सुना, हमार कई साल से ही अचार बना के बेचे से ही घर चल रहल बा। भूखा देखा था, सही कहा था ही। अपन ससुर के बारे में तो तोहरा के सब मालूम है बा। रात वाला नशा अबले नहीं उतरल बा, न काम के न काज के दुश्मन अनाज के सुतल हुई है। और हमार बेटा कम तोहार घर वाला जादे बा। कहे के तो रेलवे में नौकरी करेला, लेकिन का कमावेला, कहाँ खर्च करेला, कुछ हिसाब किताब नहीं खे। का भइल माई, ई का भोरे भोरे सब केहू के उलाहना देहल शुरू कर देहलू। अब कहत ई नौकरी छोड़ करके तारा साथे इची कोरा काटी, आंवला धोई, मरचा सुखाई, आई अचार वाला व्यवसाय के विस्तृतीकरण करी। रेलवे के फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी के ज्यादा वेतन ना मिलेला, और जितना मिलेला ओकर आधा हिस्सा तई महारानी के इलाज में लग जाला। तो काहे करवावेला के इलाज? अरे बिया के पहले से ही एकरा के रोक बा, ना तो एकर घर वाले एकरा इलाज करावलन और ना ही आमनी के बताउलन, बस थोप देलन हमार कपार पे। और तू एक नंबर का बेवकूफ हवा, जौन अपन कमाई 2 साल से एकरा ऊपर फूकत हवा। कुछो फायदा भइल नहीं ना फिर? अरे ई बीमारी के इलाज तो बड़का शहर के बड़का डॉक्टर करही तब्बे कुछ हो सकेला। एकर बड़का भाई बा ना गोरखपुर शहर में, कमाई भी नहीं करेला, बोला उहे जाके इलाज कराही। देख माई कहलस, यही से हम तोसे कहत हई ई तू मत सोचिया। अब तोहरा घर वालन से गलती तो होइए गइल बा, हमरे जगह कोनो दोसर लड़का से तोहर ब्याह भइल हो तो ऊ अबले तहरा के छोड़ देले। बगले में तो बा तोहर गाँव, जाके अपना माई बाबूजी से एक बार बोलो कि वो लोग सुधाकर भैया से बात कर लें, और जबले वो लोग तोहार इलाज ना करी हैं अपन मोटरी गठरी बांध के उन्हें बैठा रहा। के लाचार बीमार बेचारी के, हे जग के पालन हार बतावा, कैसे कहे ई दुख आपन जाके। वेरी गुड। और ये क्या है? कैट। कैट मींस बिल्ली। वेरी गुड बेटा, एप्पल कलर करो। क्या बात है जी, आप इतने टेंस क्यों हैं? सुबह सुबह कितना ट्रैफिक होता है पता ना तुम्हें? आप अपना मोबाइल छोड़ गए थे। बॉस का फोन तो नहीं आया ना? 3 बार आया था, मैंने रिसीव नहीं किया। अच्छा किया, फोन तुम जानबूझ के छोड़ के गए थे। अरे काम करने का कोई टाइम होता है? पैसा देते इसका मतलब थोड़ी है कि दिन भर काम करते रहे।
अभी ऑफिस पहुंचेंगे तो तुरंत पूछेंगे कि फोन अटेंड क्यों नहीं किया। देखिए जी, मैं आपको पिछले एक सप्ताह से काफी टेंस देख रही हूँ। आप एक दो सप्ताह की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? स्वाति की भी छुट्टी है, हम लोग गांव चले चलते हैं। देखो निशा, जो मुंह में आए बक देती हो तुम। जहां दिन रात काम करना पड़ता हो वहां पर एक हफ्ते की छुट्टी मिलेगी भला मुझे? और ज्यादा जिद किया ना मैंने तो नौकरी से भी निकाल दिया जाऊंगा एक दिन। बात करती हो। देखिए जी, दुनिया में और भी तो लोग हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, उन पर भी तो काम का दबाव होता होगा ना। वो लोग तो घर से नाता नहीं तोड़ते। माँ बाबू जी तो मुझे ही गलत समझेंगे, 4 से 5 घंटे का ही तो रास्ता है, पर पिछले 6 महीने से हम अपने घर नहीं गए। घर का बड़ा बेटा होने के नाते आपका जो कर्तव्य है वो तो आपको निभाना ही होगा। अब तुम भी पाठ पढ़ाओगी हमको। पता है, स्वाति के भविष्य के लिए एक पैसा तक जमा नहीं कर पाए हूं अभी तक। 25,000 रुपए जुलाई में डोनेशन देना उसके लिए, कहां से आएगा? उन्हें हमारे बारे में जो सोचना है सोचे। देखो निशा, आज के जमाने में सबको खुश रख के नहीं जिया जा सकता, समझी? देखो निशा, आज के जमाने में सबको खुश रख के नहीं जिया जा सकता, समझी? घर पहुंचे तो जिम्मेदारियों की लिस्ट सामने आ जाएगी। मां बाबूजी की दवाई, प्रभाकर के 2 बच्चों का कपड़ा, पूजा की शादी, आर्थिक बीमारी, हुआ जी का पागलपन और न जाने क्या क्या। निशा, मेरी परेशानी तो वहां कोई नहीं समझेगा, और 15,000 की तनख्वाह वाली नौकरी में मैं भी किस किस की मांग पूरी करूंगा? इसलिए मैं जैसे जी रहा हूं मुझे जीने दो प्लीज। हेलो, हेलो सर। जी सर, सर मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सर। सॉरी सर, मैं आके बताता हूँ सर। पता नहीं सुकून भरा जीवन जीने को कब मिलेगा। सुनिए, 5 मिनट रुक जाइए, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ। निशा, मैं खाना बाहर खा लूंगा, और वो तुम भाभी जी को मनी ऑर्डर कर देना, भूलना मत। बाय बेटा। बाय। चाची, चाची, कहो भौजी, चाचा चाची दोनों जनी में से केहू बा घर में? मनी ऑर्डर आइल बा। दोनों जनी में से केहू नहीं खे। लाइन हमरा दे दी। ई महीना भी 2,000 बा कि बेसी बा? अरे वो छोड़ा, ई हम तोरा के नहीं खे दे सकत। गजबे बात है, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे हम पैसे लेके भाग जाए। अरे 2,000 से ज्यादा के हमार घर वाला ही गाय गोरू के खल्ली भूसा और चोकर खिया देवेलन, और जैसे ही घर वाला लोग 2,000 पाके नाचे लागेलन वैसे ही आप हूँ नाचे। चाची प्रणाम। खुश रह। ये लिए चाची, आ गए आपके मनी ऑर्डर, यहाँ प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर। हाँ ये ले जा। माई,
माई प्रणाम। खुश रहा बेटा, फिर कुछ भैल का? अंदर चला माई, चल। सब ठीक बा ना बेटा? माई, हम बियाह के पहले ही कहले रही कि हमार बीमारी के बाद लड़का वालन के बता दा, लेकिन हमार केहू न सुनलस। हर रोज हमरा के यही बात को उलाहना सुने के पड़ेला। हमनी का मजबूरी रहल बिटिया, तोहर बीमारी का बात सुन के की तोरा से बिया करत बोला? नाही करत तक का हो जात माई, हमहू बुआ की तरह कौनो कोना में पड़ल रहती, केहू पे भार तो नहीं ना बनती। रोज रोज के ताना सुने से ता अच्छा बाकी। ना बेटी, शांत हो जा, शांत हो जा बेटी। माई, तू भैया से कह के हमारी इलाज शहर के कोनो बड़ डॉक्टर से करा दा। ठीक बैली तो ठीक, ना ही तो ऐसा ही घुट घुट के जी ले। ऐसे नहीं बोला जाला, हमनी सब आई ना तोरे संगे, ऐसे भी बाबूजी तोरे इलाज का बात करत रहलन। उनकरा के स्कूल से आए था, अजू सुधाकर से बात करा होता नहीं। और माई, जब ले हमारे इलाज ना हो जाए, हम वहाँ ना ही जाए, एजे बुआ के साथ कोनो कोना में पड़ल रहब। बेटी, तुहार घर बा बेटी, तू जब ले मन करे रहा। बिटिया, वो लोगन तोहरा से घर से निकले निकाले का बात तो नहीं ना कहले हुआ? आज ना कहना तो का भाई, इनके माई के स्वभाव के तो जनबे करे लू, तू कब कुछ भी कह सके ली हूँ। इनके माई के स्वभाव के तो जनबे करे लू, तू कब कुछ भी कह सके ली हूँ। तब भी तो हम कह ली कि सास के नीक होकर सबसे ज्यादा जरूरी बा। लड़का तो दिन भर काम काज में व्यस्त रहला, लड़की का ज्यादा समय तो सास के संगे ही बीतेला। जौन लड़की का सास नीक होली, वो लड़की सबसे खुशहाल रहली। तोरा के एगो बात बताई, कमला बाबू एगो लड़का वाले के यहाँ एकर बिया का बात चलावत हुआ। अगर सब ठीक ठाक रह तो एकर भी बिया करके हम गंगा नहाए। हाँ, यह सब करा तू लोग, पहले दीदिया के इलाज करा के एकर घर ठीक ठाक से बसा दा, फिर हमरा बिया के बारे में सोचिया। एकर इलाज भी हुई, तुहार बिया भी हुई, तोरा के का पता? जब ले लड़की का बिया नहीं हो जाला, माँ बाप का सिर हल्का नहीं होत। आवा, अंदर आवा बेटिया। लक्ष्मी के रूप होली, अंगना बाबुल के अपने खोवेली दुलरिया, माई के प्यार का है बन जाला भार का है, जस जस बबनी के
बढ़े ले उमेरिया। बेटी तारा से कुछ बात करे के रहे, यही से हम एकांत में बुलाऊंगी। हाँ कुछ खास बात का मम्मी? तारा मालूम बाकी तारा डैडी कहाँ बड़न? नहीं, खुद हम हो नहीं जानो कि वो कहाँ बड़न। सुहागिन बन के हम ऐसे रहता नहीं विश्वास बा कि वो कहीं ना कहीं जिंदा और सही सलामत हो। ठीक बा, लेकिन आज अचानक ये सब तू कहल का चात बाड़ू मम्मी? यह कि हमरा ये बात के भी विश्वास बा कि तहार छोड़ भाई सम्राट के बियाह जौन लड़की से तय कई दे वो ओकरे से बियाह करी। हाँ, हम दोनों भाई बहन हमेशा से ही आपके बात मन ले बानी। आप हमार बियाह जहाँ तय कहनी हम उहीजे बियाह कहनी, सम्राट भी उहे करी। करे के चाहे, करे के पड़ी, अब करवा के रहा। हम सम्राट के बियाह तय कई देल बनी चेताली। कैसे मम्मी? हमार बहू युवराजपुर गांव के होखी, ओकर नाम है पूजा, मास्टर मनोहर लाल के बिटिया। अपना चौका मत चेताली मम्मी, हम फैसला कर चुकल बानी। वो अगर ई घर के बहू ना बनल तो इतना साल से जौन हम आंसू बहौले बानी ऊपर तो कोनो कीमत ना रह जाए। दर्द के एहसास सिर्फ हम ही कहे करी। अब थोड़ा सा दर्द मास्टर मनोहर लाल की झोली में भी तो जाएगी चाहिए।